नंदनी आ गई स्कूल से और ये पहन रखी है इसने ये ड्रेस जो मैंने कल बनाई थी। लड्डू देखो ड्रेस तो अच्छी लग रही है। वाह, फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है ये देखिए, जो मैंने कल तैयार किया था ये नंदिनी का ये ब्लाउज मैंने ये पिन तैयार की थी और ये दुपट्टा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो इयररिंग ये नंदिनी ने पहन रखे हैं ये उन्होंने खुद तैयार किए थे। तो ये देखिए इनका लुक किस तरह से है, इस तरह से पूरा इनका ये लुक आ रहा है। ये कुर्ता जो तैयार किया था ये 2 अक्टूबर पर तैयार करके दिया था और ये पूरा ये इस तरह से, और फिलहाल अच्छी लग रही है ये दुपट्टा इनका। और स्कूल में फंक्शन लिया था इन्होंने प्रोग्राम, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आई है। मैंने कहा चलो पूरा लुक ले लेते हैं। और ये हाथ के कड़े इन्होंने जो बनाए थे वो इस तरह के नहीं बन पाए थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये रिबन डाल लिया है। देखने आए थे तो मैंने सोचा चलो इसको बना के वीडियो डाल देते हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे, खाना बनने रख दिया मैंने खिचड़ी और चटनी भी पीस ली, पर मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं। तो फिलहाल नंदिनी आज बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश थी, मैंने सोचा चलो बना ले रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो बना किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि मैंने कुर्ती ही बना के इनको दी थी है इस तरह से। और अब जो है इनका पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस हाथ के इनको ये जो रह गए हैं हाथ के कड़े रह गए हैं वो भी देखो, टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और यहाँ पर ये बैठी है नंदनी और हमने बना दी खिचड़ी और यहाँ पर पीस लिए हमने ये चटनी, हरे धनिया टमाटर की। खाते हैं हम लोग, गैस पे दूध गर्म हो रहा है, खिचड़ी हमारी बन चुकी है और कुकर की सीटी निकलने वाली है, गैस निकलने वाली है, फिर हम खाएंगे। सारा काम किया है, क्या क्या काम किया है नंदनी बताना जरा। आज हम सबसे पहले स्कूल गए थे तो कुछ बैलून वगैरह कुछ नहीं खुले हुए थे, और जब वहाँ गए तो ना बैलून थे ना कुछ था, तो सर से बैलून मंगाए, फिर उसके बाद बैलून खुलाए थे। फिर उसके बाद बैलून को लगाया था ग्रिल पर ऊपर टेरिस पे। फिर उसके बाद तभी जो ब्लैक बोर्ड था सारी क्लास के ब्लैक बोर्ड डेकोरेट किए थे। फिर उसके बाद जब हमारे संग की जितनी भी लड़कियां थी ना मम्मी, तुमने इतना सारा काम कर लिया? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, इतना काम कर लिया। फोन करके पूछ लेना, घर में तो करती नहीं हूँ। तो हमारे संग की जितनी भी लड़कियां थी वो सारी रेडी हो गई थी, हम ही रह गए थे। वैसे तुम्हारा मेकअप तो अच्छा लग रहा है, किसने किया ये? आयुषी मैम ने किया। आयुषी मैम ने किया, और लग नहीं रहा ये तुम नंदनी हो। नानी तो पहचान ही नहीं पाई, मम्मी ने तो देखा ऐसे तो पहचान ही नहीं पाई कि हाँ ये नंदनी है जो पास से आ गई है, तो लग रहा है कि हाँ ये नंदनी है, सच में दूर से लग ही नहीं रहा। एक तो इतनी बड़ी हो गई है, ऊपर से इतना मेकअप पोत लिया पूरे में। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, चलो इतना सारा काम करना सीख गई हो धीरे धीरे, चलो बड़ी हो गई लग रहा है, बड़ी हो गई है, छोटी नहीं रहे। कॉफ़ी बज रहे हैं फ्रेंड्स, शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए मैंने चाय बनाई, चाय बनवाई मैंने नंदनी से है, तो मैं चाय पी रही हूँ। और खाना वाना खा के नंदनी कोचिंग चली गई, कोचिंग से आने के बाद में वो अपने काम में लग गई थी, तो मैंने कहा चाय बना दूँ फटाफट, और मेरा सिलाई करते करते मन बिल्कुल वो हो गया था, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर है बिस्कुट पार्लर जी का, आप भी खा लीजिए। और आज मैंने क्या तैयार किया, आज मैंने देखिए ये इस तरह से ये ब्लाउज जो था इसमें डोरी वगैरह रह गई थी, ये डोरी वगैरह लगाई और कुछ कपड़े रह गए थे उनको तैयार किया है। और वो एक ब्लाउज आया उसमें मुझे फॉल लगानी है, तो साड़ी में फॉल लगानी है, ब्लाउज तैयार करना है और कल देना है उसको, तो यही सारा काम किया मैंने। बाकी थोड़ा सा सामान घर का फैला हुआ था वो सारा कुछ किया, तो अभी बैठ के मैं यहाँ पर बिस्कुट पे चाय पी रही हूँ और आप लोग भी आके पी लीजिए शाम के टाइम पर। नंदनी वो अदर कमरे में जाकर वहाँ पे बैठी हुई है, उनकी फ्रेंड आई हुई है, तो वहाँ पे अपनी बातें कर लिया। चाय पी के हम बैठे हैं और अब हमें देखिए ये जो साड़ी रखी है इसमें से ब्लाउज निकालना है और इसमें फॉल लगानी है। तो ये देखिए पूरी साड़ी कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर इसका ये बॉर्डर दे रखा है और बीच में ये कुछ इस तरह से इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए छोटी छोटी इसमें ये बूटियाँ बनी हुई हैं। तो अब मैं इसमें से ब्लाउज निकाल ले रही हूँ, ब्लाउज निकाल के फिर इसमें फॉल लगाऊंगी, और किस तरह से फॉल लगाना है और ब्लाउज किस तरह से सिलना है ये आप जाके मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं ममता बुटीक पे, इसका फुल वीडियो आपको डिटेल में वहाँ पर मिलेगा। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इसकी कटिंग
और ये जो सारा जो काम है ये मैं कर ले रही हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो सब तक मैं इतना काम कर ले रही हूँ। शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैंने कटिंग कर दी, ब्लाउज की कटिंग कर दी, फॉल कंप्लीट लग चुकी है और नंदिनी यहाँ खा रही है खाना। नंदिनी खा रही है खिचड़ी और यहाँ नमकीन और ये चटनी और इन्हें लग रही है भूख। बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, बहुत तेज। चलो खा लो, हमसे तो कहा ही नहीं कि खा लो, तो खा लो ना। तो हम तो कटिंग कर रहे थे, तुमने कहा कि तुम ही खा लो, पहले भूख लग रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसकी कटिंग करके ये रख दिया है और अब इसके स्टिच में करूँगी कल। और वो देखिए वो साड़ी मैंने वहाँ पर फॉल लगा के इस तरह से कंप्लीट करके रख दी है। और अब इस टाइम पे काफ़ी टाइम हो गया है और मैं अब थक गई हूँ, दुकान को बढ़ा रही हूँ, काउंटर आगे खींचूँ, ये खाना खा लें, मैं सोच रही हूँ ये खाना खा लें तभी मैं ये करूँ। तो अब भूख भी मुझे भी लग रही है और अब फिलहाल लग रही है हवा लग रही है क्योंकि अब इधर से हवा आ रही है ठंडी ठंडी। तो मन कर रहा है बस अब काम ख़त्म करो, दुकान को बंद करो और बस जाके बिस्तर में लेट जाओ। तो अब मैं दुकान को बढ़ाऊँगी और उसके बाद में खाना वाना खा के हम लेटेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं फ्रेंड्स यहीं समाप्त करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगी। और अगर आप कटिंग और स्टिचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं और आपको सीखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो कटिंग है ये आपको मेरे चैनल पर मिलेगा और इसका स्टिप का जो डिज़ाइन है वो भी मैं उसी चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। ये देखिए बाय 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 बाय। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।